प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है गाय की कहानी। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का किसान रहता था। बड़ा ही मेहनती था सोनू। दिन रात मेहनत करके सोनू ने अपने खेतों में फसल उगाई थी और दिन रात उस फसल की बहुत मेहनत से रखवाली भी करता था। सोनू अपने खेत के लिए बहुत ही मेहनती था और खेत के साथ साथ उसने घर में 3-4 जानवर भी रखे हुए थे, उनकी भी बहुत दिल से सेवा करता था। लेकिन सोनू की प्रिय तो गाय थी, जो खूब सारा दूध देती थी और सोनू वही दूध बेचकर खूब सारा पैसा भी कमाता था और लोगों की बहुत सारी दुआएं भी मिलती थी उसे। इसीलिए सोनू अपनी गाय का कुछ खास ही ध्यान रखता था। उसे लगता था यही गाय है जिससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ, इसीलिए वह उसकी सेहत का भी बहुत ध्यान रखता था, कहीं मेरी गाय जरा सा भी बीमार ना हो जाए। और साथ साथ वह उसके चारे का और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक बार जब सोनू खेतों में अपना काम कर रहा था, तभी उसका छोटा सा बेटा भागता हुआ आया। पिताजी, पिताजी! तो सोनू ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया, पिताजी गाय थोड़ी सी बीमार लग रही है, सुबह से कुछ खा पी भी नहीं रही और बहुत ही सुस्त नजर आ रही है। अब सोनू को गाय की काफी चिंता हुई, वह खेतों का काम छोड़कर अपने घर की तरफ भागा। अब जैसे ही वह घर आया, उसने सच में ही देखा कि गाय तो सुस्त सी पड़ी हुई है, कुछ खा पी भी नहीं रही। अब जैसे ही शाम हुई, सोनू ने गाय का दूध दोया। जैसे ही दूध दोया तो ये क्या, गाय ने तो दूध भी नहीं दिया। अब वह कुछ दिन ऐसे ही सुस्त ही पड़ी रही। सोनू ने उसकी दवाई दारू भी किया, लेकिन वह तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सोनू को लगा कि लगता है मेरी गाय अब बूढ़ी हो चली है, अब तो यह दूध भी नहीं देगी, इसीलिए मैं इस गाय का अब क्या करूंगा और इसे रोज खाना पीना देने के लिए भी मुझे पैसे जुटाने पड़ेंगे। यही सोचकर सोनू ने यह निर्णय लिया कि मैं इस गाय को कहीं बाहर दूर छोड़ आता हूँ, जिससे मेरा इससे पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन सोनू ने यह नहीं सोचा कि यह गाय मेरे पास कई सालों से है और मुझे इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा ना सोचकर वह जंगल में उस गाय को ले गया और उसे वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। अब जैसे ही जंगल में गाय घूम रही थी, उसे तो जंगली जानवरों से डर लग रहा था, क्योंकि गाय कभी भी जंगल की ओर नहीं गई थी। अब वह जंगली जानवरों की आवाज से डरने लगी और धीरे धीरे चलते चलते वह रास्ते की ओर आने लगी। उसे लगा कहीं घर की ओर रास्ता दिख जाए तो वह उस ओर मुड़ जाए। चलते चलते वह गाय एक गांव की ओर चली गई और वह गांव सोनू के गांव के साथ ही पड़ता था। वह गाय धीरे धीरे चलते चलते किसी झोपड़ी के आगे रुकी और वहीं अचानक गिरते ही बेहोश हो गई। और रात भी हो रही थी, अब गाय वहीं पड़ी रही। अब जैसे ही सुबह हुई, उस झोपड़ी में एक घनश्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ वहां रह रहा था। जैसे ही घनश्याम ने सुबह अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उसने उस गाय को वहां पर पड़े हुए देखा। अब घनश्याम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी बाहर आओ, देखो यह गाय बीमार हो गई है, लगता है इसे दवा दारू की जरूरत है। और उसकी पत्नी
भागते हुए घर से बाहर आई और उन्होंने देखा कि सच में ही यह गाय बहुत अधिक बीमार है। अब घनश्याम भागकर वैद्य जी के पास गया और उस गाय के लिए दवाई लेकर आया। धीरे धीरे वह गाय की सेवा करने लगा और गाय को वैद्य जी की दवाई दे देकर उसने उस गाय को ठीक कर दिया। धीरे धीरे वह गाय अपने पैरों पर चलकर खड़ी होने लगी। अब एक दिन घनश्याम को लगा कि मुझे इस गाय से दूध निकालना चाहिए, हो सकता है यह गाय दूध देने लगे। अब घनश्याम ने जैसे ही उस गाय का दूध दोहा तो यह क्या, गाय ने तो बाल्टी भर के दूध दिया और वह और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। घनश्याम की पत्नी ने कहा, सुनो तुम यह दूध गांव में बेच कर आओ, हो सकता है इससे हमें कुछ पैसे मिल जाए। अब घनश्याम रोज उस गाय का दूध निकालने लगा और गांव में बेच बेच कर खूब सारे पैसे कमाने लगा। अब यह बात धीरे धीरे पास के गांव में और सोनू के पास पहुंच गई कि घनश्याम तो बहुत सारा दूध बेचने लगा है और दूर दूर तक लोग उसको पहचानने लगे हैं। अब सोनू घनश्याम के गांव में आया और उसने अपनी गाय को देखते ही पहचान लिया। अरे यह क्या, यह तो मेरी गाय है और घनश्याम मेरी गाय का दूध बेच बेच कर पैसे कमा रहा है। मुझे पंचायत में बात करनी होगी, सरपंच जी को बताना पड़ेगा कि यह घनश्याम मेरी गाय का दूध बेच रहा है, इसने मेरी गाय चुरा ली है। अब धीरे धीरे यह दोनों गांव के पंचायत में बात चली गई। अब सरपंच बिठाए गए। सरपंचों ने कहा, देखो गाय किसकी है यह सही निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन हमें कुछ सोच समझकर ही फैसला लेना होगा। सरपंच ने सोनू और घनश्याम को कहा, देखो तुम दोनों इस ओर खड़े हो जाओ, और गाय भी उनके पास ही खड़ी थी और चुपचाप सभी वहीं खड़े हुए थे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में ही गाय अपनी जगह से हिलकर जाकर घनश्याम के पास खड़ी हो गई। अब सारे पंचायत में सरपंच जी भी यह चीज देख रहे थे। सरपंच जी बोले, देखो हमें किसी को भी निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गाय ने खुद ही निर्णय ले लिया क्योंकि वह घनश्याम को ही चाहती है। सोनू ने उस गाय को दूध ना देने पर अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन घनश्याम ने उसकी पूरी सेवा की, इसीलिए इस गाय का हकदार तो यही घनश्याम है। अब सोनू अपना सा मुंह लेकर अपने घर की ओर चला गया। देखा बच्चों, यह थी एक गाय की कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिला, जिस प्रकार माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे सुख दुख का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका उतना ही ध्यान रखें जितना उन्होंने हमारा रखा था, ना कि हम उन्हें घर से निकाल दें। इसी प्रकार एक जानवर भी प्यार का भूखा होता है। जिस प्रकार उसने सोनू को खूब सारा दूध दिया और जिससे सोनू ने खूब सारा पैसा भी कमाया, लेकिन सोनू ने दूध ना देने पर उस गाय को घर से निकाल दिया, और यहीं घनश्याम ने गाय की पूरी सेवा की, उसे गांव के वैद्य जी से दवा लाकर भी खिलाई और वह गाय कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गई। तभी तो उस गाय का प्यार भी सिर्फ उस घनश्याम को ही मिला और उस गाय ने अपना मालिक सरपंचों के सामने खुद ही चुन लिया।